Hello students, today we are going to start class 12 physics. In this, I'm going to start unit 1, which is electrostatics. In electrostatics, here we have two chapters. पहला chapter है हमारा electric charge and field, और दूसरा chapter जो है वो है हमारा electrostatic potential and capacitance. तो हम यहाँ पे electric charge and field start करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं what is electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज स्टैटिक. इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू चार्ज. इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट. दैट मीन्स चार्ज एट रेस्ट. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट. ठीक है, चार्ज एट रेस्ट की बात हो गई तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो व्हाट अबाउट मोशन ऑफ चार्ज. तो जब भी हम मोशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो वो दूसरे स्ट्रीम में उसको एनालाइज किया जाता है या फिजिक्स में उसकी स्टडी दूसरे स्ट्रीम में की जाती है और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये आगे वाले यूनिट्स में आने वाले यूनिट्स में थर्ड फोर्थ या फिफ्थ यूनिट्स में इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा. तो अगर बात करें तो मेन बेसिक जो चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज की फंडामेंटल नेचर को समझना होगा, चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझना होगा, चार्ज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. चार्ज को हम 9th या 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो पढ़ाई जाती है दैट इज चार्ज. तो फिर से वहां इसको थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें चार्ज के बारे में हम रिकॉल कर लेते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर लाइक मास. जैसे मास एक इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. विदाउट मास कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर कोई भी चीज है, अगर ये मार्कर है या कोई भी एक छोटा सा छोटा पेपर है, ये पेपर है, तो कोई भी चाहे वो छोटी बड़ी हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जाए, बहुत ही स्मॉलर स्केल पे बात की जाए या माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जाए, चाहे प्लैनेट हो गया या कोई और बड़ी चीज हो गई उसके बारे में बात की जाए, तो एवरीथिंग कंसिस्ट्स ऑफ मास. वैसे ही सब मैटर, कोई भी चीज जो मैटर से बना हुआ है, कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है. एटम्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सम चार्ज. तो चार्ज भी क्या है, मास की तरह एक इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इट इज प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल नेचर. तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है तो वो उसे एक इलेक्ट्रिकल नेचर प्रोवाइड करा देता है. अभी उसके बारे में हम अच्छे से आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. वो एक स्केलर क्वांटिटी है. जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दो तरीके की क्वांटिटीज, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट इज मेजर्ड इज कूलम, डिनोटेड बाई कैपिटल सी. समटाइम्स कभी कभी हम कूलम को एम्पेयर सेकेंड भी लिखते हैं. जो कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको एम्पेयर सेकेंड भी कभी कभी इसकी यूनिट लिखी जाती है. तो वो कैसे आती है, वो जो बेसिक फॉर्मूला है चार्ज का उससे आती है. जो बेसिक फॉर्मूला चार्ज का है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, वेयर आई इज करेंट एंड टी इज अ टाइम. That means अगर मुझे चार्ज को डिफाइन करना है, इफ वी हैव अ कंडक्टर एंड इन दैट कंडक्टर द करेंट इज करेंट आई इज फ्लोइंग फॉर सर्टेन टाइम टी, द चार्ज देयर विल बी डेवलप इज इक्वल टू आई इंटू टी. तो आई जो है करंट है उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, दैट इज एम्पेयर. इट इज अ फंडामेंटल यूनिट एंड टाइम की जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, इसलिए ये एम्पेयर सेकेंड. तो चार्ज की जो यूनिट निकल के आती है कभी कभी उसे एम्पेयर सेकेंड भी कहते हैं. अगर डायमेंशन निकाली जाए चार्ज की तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी डायमेंशन भी निकाली जा सकती है. डायमेंशन ऑफ चार्ज विल बी द डायमेंशन ऑफ करेंट आई एंड डायमेंशन ऑफ टाइम टी दैट इज ए इंटू टी. डायमेंशन ऑफ करेंट इज ए कैपिटल ए एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल टी. तो इस तरीके से हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके यूनिट किसे मेजर किया जाता है एंड डायमेंशन ऑफ द चार्ज हमने यहाँ पे निकाल लिया. अब अगर हमें चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़नी है,
कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो हमें देखना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से कोई एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का, किसी भी मैटर का जो एटम होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उसके न्यूक्लियस जो होता है, उसके सेंट्रल कोर पार्ट जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसका जो साइज होता है 10^-15 मीटर, इसको फर्मी भी कहा जाता है, अपने 11th में इसके बाद में यूनिट एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा। तो इसका जो साइज होता है 10^-15 मीटर होता है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। एंड सराउंडिंग टू दैट न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम एनर्जी सेल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है एंड इलेक्ट्रॉन हैज -p चार्ज। तो यहां पे प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है, दैट मीन्स दोनों पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बट इन साइन वो था अपोजिट। तो अगर बात करें एटम में, सिंस हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तब हमने वहां पे देखा था कि किसी भी एटम में, आइसोलेटेड एटम है या किसी भी मैटर का एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट विल बी द एटॉमिक नंबर। तो दोनों इक्वल होते हैं एंड सिंस बोथ पे, दोनों पे सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ओवरऑल एटम जो होता है हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज। तो चार्ज कहां से आता है, कब आता है चार्ज? तो चार्ज आता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाय वर्च्यू ऑफ एनीथिंग व्हाट वी हैव टू डू। तो सपोज कर लीजिए दो एटम है, दो मैटर है, सपोज कर लीजिए दो मार्कर ही है, या डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स ले लेते हैं, एक मार्कर ले लेते हैं, एक स्केल ले लेते हैं, मटेरियल्स है, किसी मटेरियल से मिलकर बने होंगे, इसमें एटम्स होगा वो मटेरियल से बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। अगर हम इसको रब करें भाई मैकेनिकल वे, हम लोग अपनी मसल्स की ताकत लगा के इसको रब कर रहे हैं, और रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, उससे क्या होगा, अगर इस एटम का जो स्केल है उसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जब मैं इनको रब करूंगा तो वो हीट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्वायर करेंगे हीट एनर्जी, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है, जो इसके एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्वायर करेंगे। लेकिन इसमें जो मटेरियल टू मटेरियल जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब एनर्जी एक्वायर करते हैं तो अपनी एनर्जी सेल्स को लीव कर जाते हैं, मतलब छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कब इस सरफेस को, कब इस शेल को छोड़ के जाएगा, वो डिपेंड करेगा इसके वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा अच्छे से समझाया गया है, वो जब पढ़ेंगे तो उसके डिटेल बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है टू लीव दैट एनर्जी सेल, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अगर इसका वर्क फंक्शन इससे कम है, सपोज कर लो इसके जो एटम के इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन इससे क्या है, कम है, मार्कर के जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम है, तो ये कम एनर्जी पे अपने सेल्स को, अपने एनर्जी सेल को क्या कर देगा, लीव कर देगा, और इस दूसरे एटम पे, दूसरे एटम पे, दैट इज मार्कर के एटम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो जिस एटम, जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कम होता है वो एनर्जी को गेन करके दूसरे मटेरियल के या दूसरे एटम के, दूसरे एटम में चला जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, देन दिस बॉडी, जिस बॉडी पे वो ट्रांसफर होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज तो वहां पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। और जिस बॉडी से, सपोज करो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंस पहले ही न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा था, बट अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला जाएगा तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन डोमिनेट्स एंड
क्रिएट पॉजिटिव चार्ज एंड जब इलेक्ट्रॉन जहां एक्सेस में हो जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन चार्ज डोमिनेट करेगा और वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. हेंस वी अंडरस्टैंड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज दैट चार्ज इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चार्ज तब डेवलप हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन ही, यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होते हैं, प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होते हैं? बिकॉज प्रोटॉन्स आर बाउंड इन, दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियस दे आर बाउंड बाय द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस. फंडामेंटल फोर्सेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स दैट इज न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाता. जबकि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में चक्कर लगा रहा है, इसलिए जब एनर्जी गेन करता है तो ये बाहर निकल के जाता है. हेंस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो चार्ज डेवलप हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज हो रहा है. तो आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस से कि चार्ज इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. हेंस यहां पर हम समझ सकते हैं कि चार्ज दो तरीके के होंगे. एक तो पॉजिटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है. निगेटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी. हेंस यहां पे अगर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये पाया गया कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव दैट इज सिमिलर चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं या दो निगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, दैट इज दो सिमिलर चार्ज रखे हुए हैं, तो दे विल रिपेल इच अदर लाइक द सेम इन द केस ऑफ मैग्नेट्स. जो हमने टेंथ में मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेट के बारे में जब पढ़ा था तो वहां पे बताया गया था कि सिमिलर पोल्स रिपेल्स एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. सिमिलर वही केस यहाँ पे भी है कि सिमिलर चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे. जबकि हमारे अगर अपोजिट चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट चार्ज. ये है बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. यहाँ एक चीज मैं भूल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज E, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसको कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, बिकॉज जो नेचर में जो चार्ज का एग्जिस्टेंस है, जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसलिए इसे कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज. ये हो गया चार्ज के बारे में प्रूफ प्रॉपर्टीज और कैसे वो अराइज होता है, कैसे वो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, वो भी हम यहां से समझ सकते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.